स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं पहली बार थोड़ा सोच के कोई सीरीज शुरू कर रहा हूँ इस चैनल पे, और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। बेसिकली एक मंथली सीरीज़ है। हर महीने के शुरू होने से पहले मैं एक रिलीज कैटलॉग वीडियो बनाया करूँगा जिसमें कि हम महीने की कुछ टॉप रिलीजेस के ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि इस महीने कौन सी मूवी को थिएटर पे कैच करना है या कौन सी फैन फेवरेट सीरीज इस महीने OTT में रिटर्न करने वाली है। और इस सीरीज़ की शुरुआत से ही मैं व्यूअर्स को एक बार पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि रिलीज डेट्स काफ़ी ज़्यादा बदलती रहती है, और इस वजह से जितनी भी सोर्सेस या साइट्स हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के ऑफिशियल पेज में भी कई बार गलत रिलीज डेट्स होते हैं, कई बार डिलेज की वजह से कन्फ्यूजन होता है, और कई बार रीजन के बेसिस पे कहीं पे पहले तो कहीं पे जल्दी रिलीज हो रही होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी अच्छी तरह से वेरीफाई करके ही सही इन्फॉर्मेशन ला के दूँ, पर अगर फिर भी कहीं चूक हो जाती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो शुरू करते हैं इस महीने की सीरीज़ की लिस्ट से। मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा स्टार वॉर्स फैन हूँ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न उसका ये एक्सपैंडेड यूनिवर्स ही है जो कि मैंडलोरियन के साथ शुरू हुआ था, जहाँ पे MCU सीरीज़ के मीडियम को अपनाने में काफ़ी स्ट्रगल करती दिखी। हम जो MCU को जानते थे उससे कई ज़्यादा डाउनग्रेडेड कंटेंट हमें देखने मिला इन टर्म्स ऑफ VFX और स्क्रिप्ट। वहीं पे स्टार वॉर्स के साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। द लास्ट स्काईवॉकर के बाद जहाँ पे फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे और बिल्कुल ही इंटरेस्ट खो चुके थे इस यूनिवर्स से, वह मैंडलोरियन ने आके एक अलग नींव रखी। सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे ही नहीं, पर बहुत ही अच्छी स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन पे निर्भर करते हुए दिखी है सीरीज। आखिरी बार पिछले साल द बुक ऑफ बोबा फेट के एपिसोड 5 में हमें मैंडलोरियन दिखे थे। पूरे एक साल बहुत ही इंतजार करने के बाद द मैंडलोरियन इज बैक। 1 मार्च में इसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और हर वेडनेसडे हम इसका एक नया एपिसोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनोज वाजपेयी की किसी भी नई प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मनोज के अलावा हमें काफ़ी टाइम बाद शर्मिला टैगोर भी इस सीरीज पे दिखेगी। ये सीरीज एक फैमिली ड्रामा होगी जिसे कि राहुल वी चिट्टेला डायरेक्ट करेंगे। ये राहुल की पहली ग्रैंड वेंचर लगती है। वो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह इस्तेमाल करता है ये आज रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अटैक ऑन टाइटन सबसे ज्यादा फेमस एनिमे शोज में से एक है। अगर आपने एनिमे के इर्द गिर्द कुछ भी पढ़ा या सुना है तो अटैक ऑन टाइटन जरूर सुना होगा। मुझे इस सीरीज को कैच करने का मौका कभी नहीं मिल पाया, पर इस नए सीजन के रिलीज से बेहतर और क्या मौका हो सकता है इस सीरीज को शुरू करने के लिए। यू एक थ्रिलर सीरीज है जो कि अपने 3rd सीजन में सबसे ज्यादा पीक करी थी। मुझे अभी भी याद है कि इसकी 3rd सीजन के रिलीज के बाद किस तरह सभी इसके बारे में बात कर रहे थे। बाकी की सक्सेसफुल सीरीज की तरह नेटफ्लिक्स यू को भी 2 भागों में रिलीज कर रही है। इसका सीजन 4 का पार्ट 1 February 9th को रिलीज हो चुका है, और March 9th को इसका पार्ट 2 भी स्ट्रीम करेगा नेटफ्लिक्स पे। CW की DC यूनिवर्स फैलते थकती नहीं है। ये फिर से एक नए TV सीरीज के साथ आ गए हैं गॉथम नाइट के नाम से। बहुत ज्यादा चांस है कि आप इसे इसके सेम नाम की वीडियो गेम से कंफ्यूज कर जाए, पर ये एक सीरीज है जो 14 मार्च से अमेरिकन टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होना शुरू होगी। CW की एक और बेहतरीन सीरीज सुपरमैन लुइस की सीजन 3 भी इसी तारीख में प्रीमियर होने वाली है, और इसके ठीक एक दिन बाद टेड लासो का सीजन 3 भी रिलीज होने वाला है, जिसे कि आप Apple TV+ के सब्सक्रिप्शन के साथ देख पाएंगे। जो इस सीरीज के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज कई बार अपने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और स्क्रिप्ट की वजह से एमीज के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। इसके ठीक 4 दिन बाद हमें बेटर कॉल सोल के बॉब ऑर्डरनिक एक नई सीरीज में दिखेंगे लकी हैंक के नाम से। ये एक हाई स्कूल प्रोफेसर के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि ऑफकोर्स दिस इज सॉल गुडमैन का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो कि इसे बना रहे हैं। ये एक कॉमेडी होगी। और लेट March 29 में हमें मिस्ट्री सीरीज रिवरडेल रिटर्न करते हुए दिखेगी। ये अपने 7वें सीजन के साथ आने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा हो गया अभी तो। सीजन 4 और सीजन 5 में ही ऑडियंस का इंटरेस्ट खोना शुरू हो चुका था। फिर एक काफी मैसी सीजन 6 के बाद एक बार फिर ये अपने नए सीजन के साथ आ गए हैं। मैं तो इस बार टोटली स्किप कर रहा हूँ इस सीरीज को, और अगर आप एक रिवरडेल फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं इस महीने के टॉप मूवी फ्लिक्स के ऊपर। 3 मार्च यानी कि आज Creed 3 रिलीज हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा डेट चुना है इसके 3rd इंस्टॉलमेंट के लिए। Creed 3 रिलीजिंग ऑन 3/3/23। इसे 10 साल के लिए डिले कर देते तो रिलीज डेट देख के और भी मजा आ जाता। इसके बाद होली के दिन एक नॉन वीकेंड ओपनिंग लेने वाली है रणबीर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार। और मैं काफी ज्यादा इस मूवी को लेकर स्केप्टिकल हूँ, पर लव रंजन की मूवीज मासेस के साथ काफी आराम से कनेक्ट करती है। लव रंजन के पास एक टारगेट ऑडियंस है जो कि इसी तरह की रोम कॉम देखना चाहती है, तो हिट होने के भी कई सारे रीजंस हैं और फ्लॉप होने के भी कई सारे रीजंस हैं। अब ये तो 8 मार्च को ही पता चलेगा कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या गुल खिलाती है।
दो दिन बाद फ्राइडे को हॉरर ऑडियंस जो कि वैसे भी तू झूठी में मक्का नहीं देखने जाने वाले थे पर फिर भी लव रंजन की मूवी को टक्कर देने वाले हैं। पिछले साल की स्क्रीम 5 को कंटिन्यू करते हुए स्क्रीम 6 में हमें जेना ओर्टेगा दिखेगी और इसी बात में मुझे एक और फैक्ट अभी फील हुआ कि लव रंजन की मूवी और स्क्रीम 6 में कितना ज्यादा ऑडियंस का डिफरेंस है। जहां पे कि रणबीर श्रद्धा को नई नई कपल वाली ऑडियंस ही ज्यादा देखने जाएगी वहीं पे जेना ओर्टेगा को ज्यादातर सिंगल लॉन्डे ही सिम करने के लिए जाएंगे। अपॉलजीज फॉर द बैड ह्यूमर। 17 मार्च जो कि काफी क्रूशियल पॉइंट होगा डीसी के लिए। वार्नर ब्रोस जो कि ऑलरेडी काफी लॉस फेस कर चुकी है डीसी को एस्टैब्लिश करते हुए वो एक बार फिर खड़ी एक ऐसी मूवी के साथ जो कि अगेन काफी 50-50 चांस होल्ड करती है बॉक्स ऑफिस पे। शायद एंटमैन 3 और ब्लैक एडम जैसी एवरेज मूवीज के बाद क्या लोग सुपर हीरो जैनरा पे भरोसा कर पाएंगे, नॉट श्योर। पर क्या फिल्म अच्छी होगी? मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हाँ, क्योंकि सेम डायरेक्टर ने लास्ट मूवी को भी एक काफी बच कहानी स्क्रिप्ट के बावजूद काफी अच्छी तरह से संभाला था और मूवी को काफी इंजॉयबल बनाया। शाज़ाम सबसे ज्यादा एमसीयू लगने वाला डीसी मूवी है। क्या होगा इसका बॉक्स ऑफिस पे ये देखने लायक होगा। इसके आगे क्रिटिकली अक्लेम नंदिता दास की मच अवेटेड जुगाटो 17 मार्च को सेम शाज़ाम के साथ क्लैश करेगी और मेरे ख्याल से ये अच्छा बिजनेस करने में सक्षम रहेगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कपिल शर्मा के लिए कई सारे लोग हैं जो इसे देखने के लिए जाएंगे और जहां पे बात है सिनेमा गोइंग ऑडियंस की तो नंदिता दास की मूवीज के लिए तो बस वेट ही करते रहते हैं हम लोग। और कांस जैसी फिल्म फेस्टिवल में इतनी वाहवाही सुनने के बाद इस मूवी को देखने के लिए वेट ही नहीं होता। और शायद मे बी फिर भी ये मूवी ना टिक पाए बॉक्स ऑफिस पे पर इसकी अगली मूवी लिख के ले लो कि ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जॉन विक 4। मेरे ख्याल से इस महीने की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी जॉन विक ही है। जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था तो कोई भी नहीं जानता था इसे। मैंने खुद इसे चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद सीरियसली लिया और इसकी सीरीज को देखना शुरू किया और एक के बाद एक जो ब्लॉकबस्टर्स के साथ इसने एंटिसिपेशन बिल्ड किया है ऐसा लगता है कि आगे और 7 जॉन विक की पिक्चरें भी आ जाए तो फिर भी लोगों को ये रिपीटेटिव नहीं लगेगा और लोग इसे फिर भी जाके देखेंगे। पर मे बी इंडिया में एंटिसिपेशन का रिकॉर्ड कोई और तोड़ सकने के लिए तैयार है और वो है भोला। अजय देवगन की भोला कही थी कि ऑफिशियल रिमेक है पर इस फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल में बनाया जा रहा है। अब इस रीमेक का हाल दृश्यम 2 की तरह होगा या विक्रम वेदा की तरह ये देखने लायक होगा। और अगर मार्च की थी धमाकेदार एंडिंग में कोई कसर रह गई थी तो डंजन एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स उसका सर को मार्च 31 को पूरा कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप और फ्रीक्वेंट अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसी तरह के एक और बेहतरीन एपिसोड में। We'll be right back.